नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लंबे समय से चल रहे किसान बिल के विरोध में किसानों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान बिल को लेकर के शिव कुमार कक्का जी ने सरकार पर तीखे प्रहार किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हमने कुछ दिनों तक कोई बड़ा कार्यक्रम न करने का फैसला लिया था। जब संसद में सांसद और सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं कर रही, तब हमने सोचा कि किसान अपनी संसद चलाएंगे। हमारी मांग है कि कृषि कानून वापस लिए जाएं। कई मुद्दों को लेकर के शिव कुमार कक्का जी ने अपनी बात रखी। 26 जनवरी की घटना का भी जिक्र करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दिया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर चलने वाला लंबा पहला आंदोलन, जिसमें 600 किसान शहादत दे चुके हैं। बीच में कोरोना महामारी आई, हमने फैसला किया कि हम कोई बड़ा गैदरिंग का काम नहीं करेंगे। देश संकट में है, हम देश के साथ हैं। हम लोगों ने एक्टिविटीज को एक महीने के लिए सस्पेंड किया कि हम केवल धरने पर बैठे रहेंगे और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। जैसे कोरोना की लहर समाप्त होने जब आई, हमने देखा कि इस पार्लियामेंट में हम 8 माह से बैठे हैं और पार्लियामेंट में हमारे इस आंदोलन पर, किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा सरकार नहीं कर रही है, ही सांसद कर रहे हैं। तो हमको भी अब पार्लियामेंट अपनी लगाना पड़ेगी। इस पार्लियामेंट का मूल उद्देश्य केवल इस भूमि मेरी संसद को जगाना है, सांसदों को जगाना है। और जो 3 कानून पास किए हैं, वो MSP पे गारंटी का कानून, 40 मजदूर विरोधी कानून पास किए, 42 और कानून किसान विरोधी है, इन सब पर इस संसद में उनके चर्चा हो और देश इन तमाम चीजों से देश की जानकारी हो, देश का ध्यान आकर्षित हो, इस देश की जनता को पता चले अन्नदाता संकट में है। बहुत अच्छा विषय आपको लग रहा है, देख कर बड़ा पसंद हो रहा है। तीन वाले कानून तो है ही, एमएसपी काफी है। अगर आपको बता दें हमने किताब सफाई को उसके बाद अभी में हमारे साथी को देखता हूँ कि जो सीरिया हमारे पास है, आप हमारे को बता दें। हमारे साथी निर्भयल सिंह आलिक, मैं उनको गुजारिश निर्भयल सिंह आलिक और विनती करना कि ओवन मंच से अपनी जनता रन किस प्रकार वरेंद्र भूटा जी को धन्यवाद। साथियों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे 3-4 स्पीकर और अभी बाकी हैं और समय की मर्यादा को हमें ख्याल में रखना होगा। अब मैं रघुवीर सिंह उसमें कौन सी बाधा है, किसान को क्या परेशानी आ रही है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक में
के लिए हर रोज अलग अध्यक्ष मंडल बनेगा। आज के अध्यक्ष मंडल में हमारे साथ हैं शिव कुमार कक्का जी, आप मध्य प्रदेश से हैं और राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के अध्यक्ष। हमारे साथ हैं भाई रमेंद्र सिंह पटियाला, आप कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल जो है उसके मेंबर हैं, आज हमारे अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं। मेरे दाहिने तरफ हैं श्री हन्नान मौला, आप संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं। शिव कुमार कक्का जी भी उसके सदस्य हैं, मैं बताना भूल गया। हन्नान मौला जी लोकसभा के 8 बार मेंबर रह चुके हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम योगेंद्र यादव है, मैं यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में हूँ और जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी एक सदस्य हूँ। मेरे साथ हरमीत सिंह कादियां जी हैं, BKU कादियां के अध्यक्ष हैं आप। Thank you.